कालम बृंदारण्य पुरंदरम श्री गोविंदम प्रपदेहम दीनानुग्रह कारकम वंदे मुकुंदमरविंद दलायताक्षं कुंदेन्दु शंखदशनं शिशुगोपवेशं इंद्रादिदेवगणवंदितपादपीठं वृंदावनालयमहं वसुदेवसूनुं नवजलधरवरणं चंपकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनाशयं विस्फुरन्मंदहासयं कनकऋषिदुकूलं चारुगर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् सीताम्बरादुर्मदुर्लभलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनोऽपि परं पश्यन्तु पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरं कालिन्दीपुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं महोभागवती श्री मधुसूदन सरस्वती ने गीता भाष्य के 14 अध्याय में ये श्लोक लिखा। 13वें अध्याय के भाष्य में उन्होंने ये श्लोक लिखा। ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचरं कालिंदी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं महो धावति। तो कहते हैं भाई, ध्यान के अभ्यास से जिनका मन वश में हो गया है, वे अपने मन को वश में करके उस निर्गुण निष्क्रिय ब्रह्म का ध्यान करते हैं, तो वो किया करें बड़ा अच्छा। और योगी किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्ति से, और यदि योगी लोग अपने विशुद्ध अंतकरण में परमात्मा की ज्योति का दर्शन करते हैं, तो वो किया करो बड़ा अच्छा। पश्यन्ति पश्यन्ति से वो किया कर अस्माकंत हमारे लिए तो हम लोगों के लिए तो अस्माकंत तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचरं कालिंदी पुलिनेषु यत् किमपि तन्नीलं महो धावति। हम लोगों के लिए तो यही वांछित है, हमेशा निरंतर यही चाहते हैं कि यमुना जी के किनारे पर, यमुना तट पर जो एक नीला नीला तेज दौड़ता खुदकता रहता है, वही हमारी आंखों को चमत्कृत करता रहे। ये मधुसूदन स्वामी के बाद के हैं वाला जो अद्वैत सिद्धि के निर्माता है, बहुत बड़े विद्वान वेदांत में बड़े निश्चित, पर लुट गए बेचारे, लुट गए, उन्होंने खुद कहा लुट गए। अद्वैत वीथि पथिक रूपास्या स्वराज्य संभाषण लब्ध दीक्षा सठेन केनात वयम हथेन दासी कथा गोप वधु विटेन। अद्वैत मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए हम उपास करें,
स्वराज सिंहासन पर दीक्षा हम प्राप्त कर चुके, ऐसे मामूली नहीं। स्वराज माने मोक्ष, मोक्ष साम्राज्य। पर हुआ क्या, लुट गए केन शठे न केना आती वयम हठे न किसी शठ ने। ये शठ शब्द बड़े प्रेम का होता है भरा, ये शठ कैटर धूर्त ये सब शब्द बड़े बड़े रस भरे शब्द होते हैं। तो किसी शठ ने हमको गोप बधुओं के साथ घूमने वाले किसी का दास बना दिया, दासी बना दी। बड़ी सुंदर चीज है। एक दिन के बाद आप बैठे थे महाराज मधुसूदन स्वामी अपनी शाला में, बड़े अच्छे अच्छे विद्वान सब आते उनसे शिक्षा लेने पढ़ने आते, और पढ़ाई कोई वो स्कूल कॉलेज की नहीं, निष्ठा की पढ़ाई। ये नहीं कि वो रूटीन जैसे पूरा करना हुआ, इतनी देर इसकी इसकी पीरियड अपनी अपनी पीरियड में कोई बोल जाए, ये चीज नहीं। वो तो अधिकारी को शिक्षा दी जाती थी सदगुरु के द्वारा। हुआ क्या, एक दिन बड़ा ताज्जुब हुआ महाराज, बड़ा आश्चर्य हुआ। मधुसूदन स्वामी उपदेश कर रहे विद्वान शिष्यों को, उपदेश करते करते पहुंच गए किसी दूसरे राज्य में, पहुंच गए। अब ये भूल गए कि हम यहाँ पर उपदेश कर रहे हैं शिष्य मंडल विद्वानों का, हमारे सामने बैठा है, भूल गए। पहुंच गए ब्रज में और पहुंच गए नंद बाबा के आंगन में, पहुंच गए। वहां जो लीला देखी, देखकर मुग्ध हो गए, देखी स्वयं देखी, देख करके मुग्ध हो गए। बाहर निकले तो कोई सखी मिली, उससे बात करने लगे। तो बात करने में हुआ क्या, जैसे सपना किसी को आता है ना, सपने में बोल उठता आदमी। तो भाव राज्य में थे, पर जब बोलने लगे तो यहां बोल गए। तो शिष्य मंडल सामने बैठा और ये बैठे अपना, कुछ देर बोले नहीं। तो शिष्यों ने समझा कि हमें जो पाठ देना है इनको, उसका ये स्मरण कर रहे होंगे। उन्हें क्या पता कि कहीं पहुंच गए पाठशाला आदमी। इतने में बोले रही सखी, शिष्यों ने देखा ये सखी कौन आ गई यहाँ पर ये क्या हो गया, सखी कौन आ गई, हम लोग सब बैठे हैं गुरु जी। बोले सुनो तो सखी, हमारी बात तो सुनो। राजीव हो गया, क्या सखी बात सुनो, ये कैसी बात कहते हैं। बोले महाराज हाथ जोड़े महाराज, अरे बोले सुनो, सुनो सखी कहूँ तो तुम एकम, सुनो सखी कहूँ तो तुम एकम, नंद निकेतांगन में मया दृष्टम, मया दृष्टम गोधूल भूषरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। सखी सुनो, हमने एक बड़ा तमाशा देखा है। कौतुक लेखन, कौतुक माने तमाशा, तमाशा एक तमाशा हमने देखा मया दृष्टम। तो सुनी हुई बात नहीं कहते हम, हमने आंखों देखा मया दृष्टम। बोले महाराज कहाँ, बोले नंद बाबा के आंगन में देख के आया अभी, नंद निकेतांगने मया दृष्टम, नंद बाबा के घर के आंगन में, नंद निकेतांगने, निकेत कहते हैं घर को, नंद निकेतन के आंगन में एक तमाशा मैंने देखा, मैं देख के आया। क्या देखा, गोधूल भूषरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। जिस वेदांत का मैं जानता, वो शिष्य लोग इसको जो समझें कि गुरु जी कह रहे हैं कि जिस वेदांत का मैं उपदेश करता, उस वेदांत के सिद्धांत को नंद बाबा के आंगन में मैं नाचते देखता है, नाच रहा था और गोरज से गोधूल से
उसके सारे अंग धूसरित हो रहे हैं। गोधूल धूसरितांगो, गोधूल से अंग उसका धूसरित था, धूमिल हो गया था और वो नाच रहा था। कौन? वेदांत सिद्धांत। तो ये ऐसी चीज है महाराज, सवेरे यही चर्चा हो रही थी ना अंत में। जब तक उस तरफ चित्त नहीं खींचता, जोलों को नंद को कुमार ना ही दृष्टि पड़े, तोलों तू बैठ भले ब्रह्म को बिचारे ले। जब तक वो नंद नंदन दिखता नहीं, आंख के सामने कभी उसकी झांकी नहीं आई, तब तक ब्रह्म ब्रह्म किए जाओ। और वो झांकी यदि सामने आ गई, उसके बाद तो दूसरा कोई रहेगा नहीं उसके सिवा, तो एक ही रहेगा। हमने अभी देखा यहाँ कोई था, नारायण वा रूप में छके रहे जिन रहे, छके रहे। वो छक जाता है ना, बोले और कोई चीज चाहिए, बोले क्या करें, छक गए बिल्कुल, गले तक भर गया, अब किसी के लिए गुंजाइश रही नहीं। तो भगवत रूप सौंदर्य, भगवत प्रेम सुधारस, ये प्राप्त होता नहीं, हुआ नहीं। ये प्राप्त हो जाए तो सोचे कौन फिर? सोचने विचारने की चीज जो है ये तो रहती है तब जब सोचने विचारने की हृदय में गुंजाइश है। बोले मन लगाओ और मन हटता नहीं, बड़ा अंतर है ना। कहीं तो मन लगाना पड़ता है, वह अभ्यास के द्वारा किसी प्रकार से मन को लगाओ, और कहीं ऐसी दशा हो जाए कि मन हटे नहीं। तो ऐसा माना है और ऐसा भक्तों का प्रेमियों का अनुभव है कि भगवान के रूप सौंदर्य की झांकी यदि किसी तरह किसी को कभी जरा सी भी हो जाए तो ये बड़ा सहज रास्ता है। सहज इसलिए है कि ये इस प्रकार का एक जादू होता है कि दूसरी सारी प्रवृत्तियों को बलात्कार से मिटा देता है, रोक नहीं देता, मिटा देता है। तो इसीलिए ऐसा होता है कि भगवान के रूप सौंदर्य का, भगवान के प्रेमानंद सुधारस का स्मरण किया जाए, उसका ध्यान किया जाए। ये महाराज अभी जो मैं श्लोक बोल गया, इसके पहला श्लोक है मधुसूदन स्वामी का। मधुसूदन स्वामी ने जो तत्व की बात कही, कहा मैं तत्व की बात कहता हूँ, तत्व नाम लिया वहां पर, और तत्व नाम लेके उसको केवल श्री कृष्ण नाम लेकर नहीं रह गए। श्री कृष्ण को तो शायद कोई निराकार निर्गुण ब्रह्म के रूप में मान ले, तो उसको खोल दिया कि ऐसे कृष्ण का। तो वंशी विभूषित करार लवनीय दाभास सीतांबरात अरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्द्र सुंदर अनुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमत तत्व अहम न जाने। वो कहते हैं कि वंशी विभूषित करार, जिसके कर कमलों में वंशी विभूषित है, नवनीरदाभास नवीन मेघ के समान जिनका सुंदर नील श्याम वर्ण है, पीतांबरा जो पीत पट पहने हुए हैं, और अरुण बिंब फलाधरोष्ठात जिनके अधरोष्ठ जो हैं ये बिंबा फल के समान लाल लाल हैं, पूर्ण सुंदर मुखात पूर्णिमा के चंद्रमा के समान जिनका सुंदर मुखमंडल है, अरविंद नेत्रात जिसके कमल के समान नेत्र है, उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी तत्व को मैं नहीं जानता। जानते हो जानते, इसीलिए फिर अगले श्लोक जो अगला श्लोक मैंने कहा, अभी उसने कहा जो जानते हो जानते हैं, इनका विरोध नहीं।
अपने लिए ये बात है। तो ये कल जो मैं शाम को बात कही थी उसका यही तात्पर्य था, वो यही सिलसिला है ये कि भगवान के स्वरूप का लीला का चिंतन अपने मन के अनुसार करें। अपने मन में जितने भी अधिक से अधिक सौंदर्य की कल्पना हम कर सकते हैं, जितने भी अधिक से अधिक पवित्र सौंदर्य का हम अपने मन में चित्र खींच सकते हैं, पवित्र सौंदर्य। एक बात बहुत देखें कि जो सौंदर्य जो प्रेम हमारे मन में विषया शक्ति पैदा कर दे वो भगवत प्रेम नहीं है, वो भगवत रस नहीं है, ये कसौटी है। इस पर कस ले चैतन्य महाप्रभु का जीवन, इतने बड़े वो महान रसिक कि रास पंचाध्यायी के अतिरिक्त भागवत का और कोई प्रसंगी प्राय वो न ले, और उनके जो खास खास शिष्य रहे जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, इनके जो संस्कृत के ग्रंथ हैं दार्शनिक ग्रंथ हैं बड़े भारी, ये फिलोसफर थे, उन सब में केवल प्रेम तत्व का वर्णन है परंतु त्याग के फल। रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी ने जो पहले करोड़ों की संपत्ति के अधिपति थे, एक कोटी एक कोटी एक मिट्टी का करवा ये तो रखा अपने पास सामग्री के लिए, और जीवन को निभाया कैसे, छत के नीचे तो रहे ही नहीं, मकान में छत के नीचे रहे नहीं, वृक्षों के नीचे रहे और वृक्ष भी रोज बदला, आज एक पेड़ के नीचे कल दूसरे के नीचे, इतना भारी उनका त्याग। विषया शक्ति का कहीं किसी प्रकार का संसर्ग नहीं, मिलते नहीं थे स्त्री जाति से उनकी चीज थी, और उनके यहाँ तक था स्त्री को स्त्री नहीं कहते थे, बहुत आगे उनकी चीज ये बढ़ गई वो प्रकृति कहते, स्त्री कहने में भी समझते थे कि कहीं कोई संसर्ग ना आ जाए, प्रकृति कहते। जीव गोस्वामी एक मीराबाई से मिले, किसी से नहीं मिले, मीरा गई वृंदावन में तो मीरा ने जा करके कहलवाया वो अपना कुटिया में बंद है, तो ये कहा कि किसी ने कहा कि देवी मिलने आई है तो कभी हमको प्रकृति के दर्शन नहीं कह दिया, तो मीरा तो बड़ी भक्ता है, मीरा ने कहा महाराज एक मेरी प्रार्थना यह है, मुझे शंका हो गई, मैंने ये मान रखा था कि ब्रज में तो पुरुष एक ही है, सारी प्रकृति प्रकृति है, आप दूसरे कोई पुरुष कहाँ से पैदा हो गए यहाँ पर जो प्रकृति से नहीं मिलते। तो जब ये बात सुनी तो जीव ने कहा भाई ये प्रकृति नहीं, ये पुरुष है, तो आने दो, समझे। तो इतना बड़ा उनका त्याग, विषया शक्ति से इतनी उनकी सावधानी, परंतु प्रेम रसास्वादन सौंदर्यास्वादन उनके संस्कृत ग्रंथों के किसी ने देखा है तो वो जानते हैं कितना उससे रस ले रहा है, रस बह रहा है उनमें उनके भागवत सुखि का है, उनके जो कई ग्रंथ हैं वृंदावन चंपू है, एक नाथ ग्रंथ है, दग्ध माधव है, ऐसे बढ़िया बढ़िया ग्रंथ हैं, सब संदर्भ है भागवत पति का, भद्रकाल सिंह हुआ, ऐसे ऐसे मकान ग्रंथ है। मतलब कहने का यह है कल वाले सिलसिले में कि सबसे बढ़िया तो जहां पर कोई भय नहीं गिरने का, श्री कृष्ण के बाल रूप का चिंतन, बाल माधुरी और बाल जहां किसी प्रकार का भय ही नहीं, भाई श्री कृष्ण के निकुंज लीला का ध्यान करने में डर है, क्योंकि हम लोग अभी तक विषयों से विमुक्त नहीं हुए, परंतु बाल लीला बिल्कुल निर्दोष, भगवान की बाल लीला का जो सौंदर्य है ये महाराज ऐसा विलक्षण है कि कुछ कहा नहीं जाता इसके संबंध में कि ये कितना मधुर है, कितना मधुर है, इसके माधुर्य का कोई पता नहीं, जिसने
इस माधुर्य की तरफ जरा सा भी उनकी कृपा से अपने को बढ़ा पाए। इस माधुर्य की जब कभी कहीं झांकी हुई तो त्यागना पड़ा नहीं। जहां त्याग कठिन होता है ना महाराज, वहां जिसके लिए हम त्याग करते हैं उस वस्तु का महत्व नहीं हमारे मन में। क्या करें भाई, त्यागना पड़ता, हमने इतना बड़ा त्याग कर दिया इसके लिए, तो उस त्याग की जिस वस्तु का क्या उसकी महत्व नहीं हमारे मन में, तो वो त्याग त्याग नहीं। जिस वस्तु को हमने छोड़ा उसके महत्व को नहीं छोड़ा। एक राजा रहे तो वो सन्यासी हो गए, सब कुछ छोड़ा, बड़े सच्चे आदमी थे, सन्यासी हो गए। तो ऋषिकेश दुकानदारी हो गया, हम लोगों की दुकान खुल गई यहाँ करने की, और बहुत ऐसे ही। तो पहले ये ऐसी चीज नहीं थी, तो सच्ची चीज। तो वृद्ध लोग ऐसे स्थान, तो राजा भी ऐसे स्थान में अपना गए, रहने लगे, बड़े अच्छे थे सच्चे। तो वृद्ध महात्मा रहते थे वहां पर। एक दिन वो अनुसत्र से कहीं से रोटी लेकर वो नवीन सन्यासी महात्मा जा रहे थे, पीछे से बूढ़े सन्यासी गए, उन्होंने जाकर उन्हें धक्का दिया, कोहनी का धक्का दिया, तो रोटी गिर पड़ी। रोटी गिरी तो उन नवीन सन्यासी ने उठाकर होश लिया, तो शोभ हो गई। फिर आगे गए तो फिर पीछे जाकर फिर धक्का दिया, फिर रोटी गिरी, उठा करके हाथ जोड़े, बोले महाराज बड़ी कृपा आपकी, आप मेरी परीक्षा करते हैं, आपका बड़ा अनुग्रह है। फिर आगे बढ़े, फिर धक्का दिया, तीसरी बार रोटी की शरीर गिरी, सिखा लिया, पूछ लिया, हाथ जोड़ लिए, चरण पकड़ लिए, कहा महाराज बड़ी कृपा आपकी है, आप मुझे पक्का कर रहे हैं, लेकिन महाराज मैं इतना बड़ा राज त्याग करके आ गया, अब इस रोटी के लिए मेरे मन में क्या क्षोभ होता भला। तब वृद्ध महात्मा हंसे, बोले इसीलिए रोटी गिराई थी मैंने, कि तुमको बड़े भारी राज्य के त्याग की स्मृति है और उसको बड़ा भारी समझते हो। राज्य का त्याग किया पर राज्य की महत्ता का त्याग नहीं किया, तो उस त्याग का भी त्याग कर दो तब तुम असली त्यागी होंगे, नहीं तो तुमको उस त्याग की स्मृति है, त्याग का जो सुख है जो भोग उसे तुम भोग रहे हो, ये होता है त्याग रूपी भोग होता है और भोग में भी त्याग होता है, ये बड़ा अंतर है। उपनिषद में आया तेन चक्के न भुंजी था मार्गदर्शन, उपनिषद कहता है ये इसका मंत्र है, त्याग पूर्वक भोग करो, त्याग पूर्वक भोग, और भोग पूर्वक त्याग होता है तो कहीं त्याग की महिमा हो जाए, तो महिमा का भोग करें, तो वास्तविक त्याग नहीं होता, लेकिन एक ऐसा त्याग होता है जो त्याग जबरदस्ती होता है, वो त्याग होता है आसक्ति का। आसक्ति तो नाम अच्छा नहीं है, बुरा नाम, आसक्ति त्याग करो, आसक्ति त्याग करो, आसक्ति पर कहीं पर आसक्ति और कामना नहीं बढ़िया रखती हो जाती है। तो इसीलिए भक्ति को दो प्रकार रखा है, एक वैधी भक्ति है, एक रागानुगा भक्ति है, एक विधि की भक्ति, एक आसक्ति की भक्ति। एक भक्ति वो जो करनी चाहिए अमुक फल मिलेगा इसलिए करनी है, एक भक्ति वो जो सीधना रहा नहीं जाता, मन फंस गया, ये तो मन फंस गया, उस भक्ति का नाम है रागात्मिका भक्ति। और वो रागात्मिका भक्ति मानी गई है, ये जो ब्रज के अवध के जहाँ कहाँ थे, ये भगवान के साथ जो संबंध रखने वाले महापुरुष हो गए हैं उनकी, दशरथ की भक्ति, नंद बाबा की भक्ति रागात्मिका भक्ति, यशोदा मैया की भक्ति रागात्मिका भक्ति, ब्रज सखाओं की भक्ति रागात्मिका भक्ति, ये ब्रज सीमंतनियों की भक्ति रागात्मिका भक्ति, इनके अलग भेद है, ये कभी बताए जा सकते शांत दास्य सत्य वात्सल्य और मधुर मधुर के फिर अनेक स्तर और है।